करी चा हो ठीक ती राणी है रोटी बन दे मेरी धरने वाला डीकी जा रहे ने मेनू चंगा बापू बन दें नाले गल सुन मेरी ये जंग लंबी चलन वाली है मेरे पिछो घर सांभ लो तुसी ओए चाचा तू ही साडी मां है ते तू ही साडा प्यो है तेरे बोल तां साडे लई रब वर्गे ने चाचा तुसी जाके किसानी सांभो घर तां असीं आपे सांभ लांगे ओ पुत्त ऐ तां थोड़े ते माण है मैनू आ ले बापू रोटी चंगा धीए ख्याल रखियो अपना चंगा बापू मुंडियो चुको समान छिटो बाग खड़े कौन दाया जंटे 2 लाख का 8 लाख रुपया बनाता ओए कोई ना बापू चक्कर ना बन हक्का ले खड़े हुन्नी ओदे साले क्यों चंगा छोटे भाई जीते जंटा भाई किथे है ओ कुछ नहीं ओ आरती दा कोई चक्कर हो गया सी भाई ओथे गया अच्छा देखे दिल्ली भी किन्ना बुरा हाल हो रहा बापू दा फोन आया सी वो कहंदा उत्थे लाठी चार्ज शुरू हो गया मैनूं तां टेंशन होई पई है बस पुछना सरकारां दा जमा सारा ही पिया ओए अंदर रख के भाई तैनूं पता दिल्ली लाठी चार्ज होण लग रहा ओ मैनूं पता है गुड्डी अपनी कौम के कुछ बंदे गदार ने जेडे जड़ा बढ़ रहे ने नहीं किसी की की मजाल है कि लाठी चार्ज कर दे मैनू तो बापू की फिक्र हो जाती है कला बापू ही अपना नहीं उत्थे सारी बापू अपने ने पता नहीं उत्थे अपने किसानों नाल की बन रहा होना और सूरमिया की फिक्र नहीं करी दी भाई तू मेरे सीधी रोटी खा गया यार मुंडे ने भुख लगी सी बया ओए मैं थोड़े लिए होर रोटी लैके आनी हूँ अभी अभी हरियाणा के करनाल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें सरकार से अपने हकों की मांग करने के लिए धरने पे बैठे किसानों के ऊपर हरियाणा पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है जिसमें बहुत सारे किसान घायल हुए हैं और सबसे निंदनीय खबर कि एक SHO की लाठी लगने के कारण एक किसान भाई की समय पर ही मौत हो गई है जिसे देखते हुए किसान एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि किसान भाई के सर के ऊपर लाठी से वार करने वाले SHO और सीनियर अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए कोई ना जीते हौसला रख बड़ा चंगा बंदा सी पिंड च किसी दे भी दुख दे सुख दे बराबर खड़दा सी अज चंद्रियां सरकारां ने
साडा किसान भरा सातो खो लिया बेड़ा बह जाए इन्हों का चाचा हाय मेरा चाचा मारता की मर गया लाई जाओ चाचा मरिया नहीं ये शहीद होया तू ऐ देख हुण बंदा की है भाई साडी भैन दी जिम्मेवारी हुण तेरे हाथ च है तुसी फिक्र ना करो इहदे सारी खुशियां दा ख्याल मैं आपे रखूं ठीक है भाई जीते हूँ ही ना सोची कि आप जिम्मेवार तो मुक्त हो गए अपने सिर एदू भी बड़ी जिम्मेवार ने साल की कोठी मुरे की करदा ओए कौन है तू अतार मुंह तो मैं जी नाल चक्कर च दिहाड़ी करदा क्या कर लांगा
जंटे भाई तीन घंटे हो गए बैठे ने हजे तक नहीं आया। मैनू लगता अपा गलत जानकारी मिली है। नहीं नहीं साला जनानी नू मिलना होगा जानकारी तो पक्की है प्राइवेट गड्डी है। मैं सुनया उते भी बेचारी ते बड़े जुर्म उठाउंदा है। मैं देखा जाके जा भाई थोड़ा ध्यान नाल कुत्तिया कौम दे गदारा तू एक सरदार होके साडे ही बैरी बने थाले कुत्तिया कौन हो तुसी भाई? असी हां तेरे प्यो किसान जीत्या साले दी कहानी खत्म। चल जीते की करिए मैं मार चुके चल मैं छड़ दी त्या जंटे भाई पुलिस ना जे ओए खड़जा ओ भाई चल नाल रात भाई SHO दा मारता उपरों हूं घर बार भी छड़ता। एक कोई गल नहीं फिक्र ना कर कल मैं जाना पिंड च लैना सू की समाचार है भाई। नवा पिंड है तो नवा माहौल इतने मैं घर जा बना बहुत औखा लगता। वो जो नवा पिंड है फिर की हो गया आपा तो पुराने हैं। जीते दे जंटे दी पुलिस नू तलास ते दसन वाले नू 50,000 रुपया नाम मोस्ट वांटेड। गगना गगना गगना
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਓ ਆ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੱਸੀ ਜਾਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਰਗੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ दस किलो आटा चाहिए की गल होने नी आटा चाहिए ਨਾਮ 50,000 ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਜੰਟੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੰਟੇ ਓਏ ਉਹ ਭਾਈ ਓਏ ਓਏ ਭਾਈ ਓਏ ਭਾਈ ਜੰਟੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਹੈ ਓਏ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਓਏ ਬਹਿ ਜਾ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਨਿਕਲਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜੰਟੇ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੋ ਤੱਕ ਭੱਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਸੋਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲ ਉੱਠੇ ਜਿੱਤੇ ਚੱਲੀਏ